अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो पूरी कौम को कि हम सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। ये कुछ मीम्स, कुछ इंस्टाग्राम फ़ोटोज़, कुछ ट्विटर्स पे फ़ोटोज़ जो बहुत आम चल रही थी, सोचा आपके साथ शेयर किए जाएं। हाँ, ये गर्ल कह रही है भाई मुझे अल्लाह की ज़मीन से मिला है तो मैं क्यों दूँ बॉल, क्यों दे भाई वो बॉल। भाई पाकिस्तान 72 रन से स्कॉटलैंड से जीता है, तो एक दफ़ा फिर बहुत बहुत मुबारक। और सेमीफाइनल की टीम्स ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड बने हैं। ये फाइनल फोर्स हैं और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ग्रीन शर्ट्स ही अब जो है वो वर्ल्ड कप हमारे मुल्क के अंदर लेके आएंगे। ये बाबर आजम कह रहे हैं जी बिल्कुल हम ही लेके आएंगे। अब ये हारिस रौफ की आप देखें कि कितने हमने रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं कि सबसे फास्टेस्ट बॉल जो है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने की है T20 वर्ल्ड कप के अंदर, और इससे बड़ा तो कोई एजाज़ हो नहीं सकता। तो और इंग्लैंड को, इंग्लैंड अगर साउथ अफ्रीका से लूज़ करे तो एक वाहिद हम टीम है जो अनबीटन है वर्ल्ड कप T20 2021 के अंदर। और ये स्कॉटलैंड वाले कह रहे हैं हमने तो जनाब आसिफ की तैयारी की थी, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। हाँ जी बिल्कुल, जब वाइफ्स इन द हाउस जो है वो आएंगी तो कब ऐसा तो होगा कि वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आएंगे। और ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला हम जो है वो वर्ल्ड कप अपने घर लेकर ज़रूर आएंगे। और ये इनकी वाइफ जो है वो इनको अप्रिशिएट करते हुए बहुत जो है वो, उनका बेटा भी शोएब मलिक के आए हुए थे तो, और ये बहुत एक बच्चे के लिए प्राइड की बात होती है कि हमारे पापा ग्राउंड के अंदर हैं और वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। जनाब ये कुछ वो रिकॉर्ड्स हैं जो T20 वर्ल्ड कप के अंदर ब्रेक हुए हैं। अब आप ये स्टॉप करके भी देख सकते हैं जिसमें आसिफ अली ने सबसे ज़्यादा सिक्सेस मारे हैं, कामरान अकमल हैं, शाहिद अफरीदी हैं और शोएब मलिक हैं। और जनाब ये हफीज़ जो हैं वो कहते हुए कि हम इस चीज़ से बिल्कुल बेगरज होकर खेल रहे हैं कि हमारे अपोनेंट कौन है, लेकिन हम इस दफ़ा ग्रीन शर्ट्स जो है वो वर्ल्ड कप अपने मुल्क के अंदर लेके आएंगे इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। हम सब की दुआएँ आपके साथ हैं। अब रह गई बात ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारा जो सेमीफाइनल मैच है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो फिक्स हुआ है। तो आप मुझे ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने कितने सारे बदले लेने हैं। तो ग्रीन स्टॉर्म को अब आप फेस करने के लिए तैयार हो जाएं जनाब। अब ये बदला हमारा रह गया है, न्यूजीलैंड से की सिक्योरिटी का मसला हमने हल कर दिया है, भारत के मसले हमने हल कर दिए हैं, तो अब सिर्फ एक वाहिद जो है वो ऑस्ट्रेलिया रह गया है, उसको भी हम जो है इंशाल्लाह हराएंगे। और ये पॉइंट टेबल है जिसमें पाकिस्तान जो है वो अनबीटन है जनाब, अनबीटन पाकिस्तान ग्रीन शर्ट्स हैं। तो पूरी कौम को एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत मुबारक हो और उम्मीद ये करते हैं कि हमें ये खुशी मनाने का मौका मिले। अच्छा, ये वीडियो मैंने जो है उससे बनाई थी अपने टीवी से, लेकिन मुझे ये बात ये नहीं समझ में आई है कि मैच से पहले ये सब लोग अपनी नीस के ऊपर क्यों जाते हैं, कुछ मेरे से मिस हो गया। तो गाइज आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि ये क्यों जो है सब लोग, सब टीम्स नीस के ऊपर जाती हैं। और उम्मीद है कि आपकी मेरी आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह।